knowledge park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. Main Syed Amjad, aap dekh rahe hain BK News. Basokalyan Taluka Panchayat office mein GB meeting ki gayi. बसोकल्याण तालुके के ग्राम में चल रहे कामों को लेकर और जो बंद काम हैं उनको लेकर तालुका पंचायत ऑफिस में जीबी मीटिंग की गई। इस मौके पर राजशेखर पाटिल एमएलए हुमनाबाद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। राजशेखर पाटिल एमएलए हुमनाबाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायत आते हैं, इन ग्राम पंचायत में क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए, इनका जायजा लेने के लिए मैं इस मीटिंग में आया हूँ। जो मीटिंग हुआ सर, उसका मेन उद्देश्य आज का मीटिंग का उद्देश्य कुछ नहीं है, जो बसोकल्याण के तालुक पंचायत अध्यक्ष जी है, जो उन्होंने केडीपी मीटिंग बुलाए थे, उसके साथ मेरा मतलब क्षेत्र के भी 9 ग्राम पंचायत ये बसोकल्याण तालुके में आते हैं, मैं भी हकदार हूँ। जो मीटिंग को मेरे को आने के लिए उन्होंने बोले, फिर मैं भी यहाँ पर मीटिंग में मैं आकर अन्नम कल्याणी बिरयानी होटल एंड पान शॉप, जो पूरे अधिकारी के साथ उनके साथ मैं जो चल रहा काम, क्या हो रहा काम, क्या नहीं हो गया, नहीं हो गया तो क्यों काम रुका, सबके बारे में मैं सुना और क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शन देने के हैं, सभी को मैं उनका इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ। जो भी काम सरकार से मंजूरी हो गया, कौन सा भी काम रुकना नहीं, और जो भी तालुक के दंडाधिकारी है, तहसीलदार है, ईओ है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी एडब्ल्यू है, जिला पंचायत है, पीएमजीएसओ है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, कौन सा भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट वालों को भी वो काम चलना चाहिए, वो कर मैं सूचना दिया। सर, इलेक्शन के बाद आज इतने साल के बाद आज मीटिंग क्यों है सर? नहीं, ये तो आपको गलत फहमी है, मैं आपको शायद कन्नड़ा मालूम नहीं हो गया है। मैं बहुत बार यहाँ पर आकर आप अधिकारी गण को भी पूछ सकते हैं। मैं जब मल्लिकार्जुन खोबा जी एमएलए थे उस टाइम को भी मैं यहाँ पर आया था, मैं केडीपी सभा में यहाँ पर किया हूँ। उसके साथ सरमान्य श्री बी नारायण जी भी यहाँ का एमएलए थे, उनके साथ भी मेरा हक है, इसमें कोई मेरे को बुलाना बोलकर नहीं। एज ए एमएलए दिस बिलोंग्स टू हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, 9 ग्राम पंचायत इंक्लूडेड इन बसव कल्याण, आई हैव राइट्स, सो आई केयर, I have attended meeting. Whatever I have to tell, I have given to instructions all officers. कल्याण तालुका पंचायत ऑफिस में जीबी मीटिंग में पहुंचे राजशेखर पाटिल एमएलए हुमनाबाद से मीडिया ने आने वाले बाय इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी कब टिकट डिक्लेयर करेगी सवाल किया। राजशेखर पाटिल एमएलए ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी टिकट और उम्मीदवार दोनों डिक्लेयर करेगी। ये चुनाव का तैयारी हम भी कर लिए, अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत सारे यहाँ से करीब 20-23 लोग आकांक्षी है, उसमें जो भी पार्टी का निर्धार रहेगा, जो भी पार्टी का हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे, हम सभी 23 लोग और मैं और कार्याध्यक्ष सन्मान्य श्री ईश्वर खंडरे जी, हम सब मिलकर ये बसवकल्याण का चुनाव लड़ेंगे। सर, टिकट का कब तक फाइनल करेंगे? नहीं, टिकट का मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर, नहीं तो विद इन 1 वीक फाइनल हो जाता, अभ्यर्थी क्लियर हो जाते। तो सर, इस बार क्या मुद्दा रहेगा सर कांग्रेस का? देखो, क्या मुद्दा नहीं, जो भी 18 महीने में जो भाजपा का सरकार है राज्य में, क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या क्या हो गया, कहाँ तक आया, क्या भ्रष्टाचार चल रहा, सभी लोगों को, राज्य के लोगों को, देश के लोगों को मालूम है। और जो बसोकल्याण का क्षेत्र है, बसोर्ण का कर्मभूमि है, जो कांग्रेस को बी नारायण जी को यहाँ से जिताए थे, लेकिन उनका अचानक मरण होने से भाई इलेक्शन हो रहा, हम भी हर चीज़ से तैयार हो गए, कांग्रेस पार्टी अच्छा से फेस करे। तालुका पंचायत जीबी मीटिंग पहुंचे राजशेखर पाटिल एमएलए को ब्लॉक कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नौरंग और कांग्रेस सीएमसी मेंबर्स ने इनका सम्मान किया। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।